आ रहा है यार, यहाँ पर तो नहाने का अपना ही मजा है। गाइस कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। सो गाइस आज मैं जा रहा हूँ दोबारा से अम्ब्रेला बीच, जो कि मेरी फेवरेट प्लेस है यहाँ यूएई में, और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इस वक्त आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियो को लाइक करो, कॉमेंट करो यार, कुछ तो किया करो ना। अभी मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें अपनी तैयार की हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने ये शर्ट ले लिया साथ, ठीक है, और ये साथ मैंने कच्छा भी ले लिया, ठीक है, क्योंकि उधर नहाने के लिए जो है कच्छा और शर्ट जो है वो मुझे पहननी तो ज़रूर पड़ेगी। इसलिए अब मैं रेडी हो गया हूँ, अब मैं निकल रहा हूँ, तो आपने मेरे साथ रहना है यार, वीडियो को लाइक कर दिया करो, चलो चलते हैं फिर। चलिए मैं इस वक्त निकल चुका हूँ, उधर जाने से पहले जो है अभी मैं पानी की बोतल लूँगा क्योंकि प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, पानी भी पीना लाजमी है, तो पानी सबसे पहले लूँगा, उसके बाद जो है मैं उधर जाऊँगा। अभी सबसे पहले मैं पानी लेने जा रहा हूँ, ये सामने मेरे सुपर मार्केट आ गई। यार रूम टेम्परेचर ले लो, ये रूम टेम्परेचर ही ले लो, इधर से नहीं, ये ले लो, निकाल लो, ये वाला ठंडा ना हो ज़्यादा, ठंडा ज़्यादा ठंडा, चलो ले लो, बस सही है, हाँ ठीक है, नॉर्मल ही है, चलो सुबह टैक्सी आ गई है, इसमें रखूंगा सामान, फाइनली टैक्सी में बैठ गया हूँ। सो गाइस फाइनली जो है टैक्सी में बैठ गए और अभी जा रहे हैं हम अम्ब्रेला बीच की तरफ। सो फाइनली गाइस हम अम्ब्रेला बीच पर आ चुके हैं, अभी जो है हम पहुंच गए हैं बिल्कुल अम्ब्रेला बीच पे। फाइनली गाइस इस वक्त अम्ब्रेला बीच पे आ चुके हैं और अब अंदर जाने लगे हैं, और अंदर जाकर जो स्विमिंग करने का मज़ा है ना, वो तो अपना ही है भाई। अभी जाएंगे उधर जाके फिर स्विमिंग करेंगे यार। दरअसल स्विमिंग करते वक्त ना वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो बनाऊँ। अभी बीच दिख रहा है बहुत ज़बरदस्त, आज चाहिए होगा जो लोग वाटर पार्क यूज़ करते हैं, फिर वो सकते हैं ना, हाँ उसके लिए जी प्लास्टिक केस चाहिए ताकि मोबाइल के अंदर जो है वो पानी ना जाए। सो चलो गाइस पहुँच गया हूँ मैं। गाइज़ ये बीच की आप एंट्री चेक कर सकते हैं, कितनी ज़बरदस्त है और कितना ज़बरदस्त माहौल है। ये सामने सारा बीच है और उससे पहले ये है एंट्री यहाँ की।
बहुत ही प्यारा एनवायरनमेंट है गाइज। इस वक्त हम जो है ना अपने ड्रेस वगैरह चेंज करने के लिए जा रहे हैं ताकि हम बीच के अंदर जो है नहा सकें। तो वो सामने चेंजिंग रूम है, उधर जा रहे हैं और उधर से चेंज करके हम फिर बीच के अंदर नहाएंगे। ऐसे ही है भाई? यस। कितने एक्साइटेड हो आप? बहुत ही, बिल्कुल भी। ये बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है लेकिन मैं तो हूँ भाई। फाइनली गाइस ड्रेस चेंज कर लिया, अब तो जाके स्विमिंग करने का टाइम आ गया, तो अब हम जा रहे हैं और जाके अब स्विमिंग करने लगे हैं। चलो गाइस इट्स टाइम टू स्विमिंग। गाइस ये चेक करें इस वक्त सी व्यू, काफ़ी जो है मज़े का और तेज़ हुआ बड़ा। सो गाइस इस वक्त मैं जा रहा हूँ और हम भी मेरे साथ है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार। यहाँ पे मैंने चप्पल उतारी है और हमने भी उतारी है और अब मैं जा रहा हूँ अंदर। बहुत ज़बरदस्त यार, बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत ही मज़ा आता है भाई लाइफ में जो है ना। कभी भी आपने इसको जो है खुद जब आप इधर आके नहाएंगे ना आपको तब पता चलेगा कि ज़िंदगी है क्या, मज़ा ही आ जाएगा आपको। बहुत ज़बरदस्त माहौल है और इतना ठंडा पानी है ना कि अभी पाँव ही अंदर आए हैं तो इस तरह लग रहा है कि बस। सो गाइस अब मैं अंदर जो है ना जाके नहाने लगा हूँ, आप इंजॉय करें, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और इस वक्त आपको मैं बता नहीं सकता कि मेरी फीलिंग्स क्या हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने देखो यार कैसी कैसी दुनिया बनाई है और कैसे कैसे कैसी कैसी नेमतें इंसान के लिए बनाई हैं, बस इंसान ही ना शुक्र होते हैं माशाल्लाह से यार। बहुत ज़बरदस्त माहौल है। फाइनली गाइस आई एम डन विद स्विमिंग, बहुत ज़्यादा मज़ा आया यार, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। आप लोगों ने भी वीडियो देख के बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, से अल्लाह हाफिज़।